हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए निकाली जा रही साइक्लोथान रैली तकरीबन आज शाम 7 बजे तिरंगा पार नूह शहर पहुंची, तो डीसी धीरेंद्र खड़गटा, पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, भानीराम मंगला, पूर्व अध्यक्ष गौसेवा आयोग हरियाणा सहित सैकड़ों लोगों ने साइक्लिस्ट का फूल बरसाकर स्वागत किया। खास बात यह रही कि जिस जगह स्वागत हुआ यह जगह वही है जहाँ 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। यात्रा के दौरान आरएएफ के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान एवं होमगार्ड के जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिए। यात्रा के चलते गुरुग्राम, अलवर, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि से गुजरने वाले यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ देर तो सड़क पर जाम जैसे हालात देखने को मिले। आपको बता दें कि साइक्लोथान यात्रा सुबह करीब 11 बजे पलवल जिले से नूह जिले के फरदड़ी, बीसरू और इन इत्यादि इलाकों में प्रवेश कर गई थी। ये यात्रा दिन भर पुनाना, सिकराबा, भादस, आकेड़ा, मालव गांव होते हुए शाम के समय नूह शहर पहुंची। इस यात्रा का रात्रि विश्राम पटेल वाटिका नूह में ही रहेगा, जहां पर साइक्लिस्ट का ठहरने में के अलावा खाने पीने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। डीसी धीरेंद्र सिंह खड़गटा ने कहा है कि हरियाणा में नशे को समाप्त करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में भाग लेने वाले तकरीबन 125 साइक्लिस्ट को रुकने, खाने से लेकर रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत 1 सितंबर को करनाल से इस रैली को रवाना किया था, जो आज नूह शहर पहुंची है। ये अच्छे मकसद को लेकर निकाली जा रही है। हम इसका नूह में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवास से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि पूरे राज्य के अंदर जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, उसके अंतर्गत युवाओं को साथ में जोड़ने की एक उन्होंने पहल की है। और इसी पहल के अंदर उन्होंने करनाल को 1 सितंबर में इस रैली का चालू शुरुआत की, और इसके अंतर्गत उन्होंने सभी जितने भी जिले हैं उस जिलों के अंदर से ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में एक जन जागरण का बात कहनी है, लोगों तक पहुंचानी है, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे वो युवाओं में हो, चाहे बच्चों में है, एक तरह की एक जोत जगानी है कि भाई जो हमारे लिए ये ड्रग्स है ये किसी के लिए सही नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे के द्वारा, युवाओं के द्वारा और साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक कंबाइंड एफर्ट किया गया है, जिसमें एक जन जागरण अभियान यहाँ पर चालू किया गया है। इसके अंतर्गत जो रैली है वो सभी राज्यों, सभी जिलों में जाएगी। वहाँ पर संबंधित जितने भी लोग हैं वो उसमें साथ में जुड़ेंगे, सभी डिपार्टमेंट के लोग जुड़ेंगे, सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे, और एक एक अभियान के तौर पे एक शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत साथ ही साथ कुछ कल्चरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और एक जिले से दूसरे जिले के अंतर्गत इसका स्वागत भी किया जाएगा और उसका आगे अनुमोदन भी किया जाएगा। जितने भी हमारे जो यहाँ पर साइकिल चला के आ रहे हैं, साइक्लोथॉन में एनरोल्ड हैं, उन सबका यहाँ पर भोजन का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसके द्वारा हम जो नशा है उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में लोगों को बता सकें। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने इस यात्रा का 1 सितंबर को करनाल से शुभारंभ किया, और उन्होंने उनकी जो दूर की सोच है इस प्रदेश के विकास के साथ साथ हमारे युवा, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए जो उन्होंने सोचा, क्योंकि आज पंजाब के बाद पंजाब को जो ड्रग्स के किसने जकड़ा है उससे पंजाब का आज युवा खत्म हो गया है और वो हरियाणा के अंदर भी पैर पसार रहा है ड्रग्स का। तो ड्रग्स फ्री हरियाणा हो उसके लिए ये व्यापक अभियान, नशा मुक्त
हरियाणा हो, उसके लिए व्यापक अभियान आज साइक्लोथॉन यात्रा का जो उन्होंने शुरुआत की है कि लोगों को एक संदेश दिया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए, लोगों में प्रेरणा जगाई जाए कि ये सभी नशे हराम हैं लेकिन ड्रग्स सबसे बुरा नशा है, ड्रग्स फ्री हरियाणा होना चाहिए। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इससे निसंदेह पूरे हरियाणा के सभी लोगों को, खासतौर पर युवाओं को फायदा होगा, इससे जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को पता लगेगा इसके नुकसान का। और मेवात भी आपने पीछे देखा है कि तरह तरह पे इस बात के किससे आए कि यहाँ भी ड्रग्स का जाल फैलने लगा है, तो उसमें भी एक रोक लगेगी, युवा उससे दूर हट रहा है और आगे इससे हटेगा, तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। 1 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस यात्रा का वहाँ से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और ये पूरे हरियाणा में होती हुई 25 तारीख को वापस ये यात्रा पहुँचेगी। ये साइक्लोथॉन यात्रा जो है ये नशा मुक्ति के लिए यात्रा ये की गई है, जिसके अंदर में लगभग 250 पुलिसकर्मी इस यात्रा के अंदर रेगुलर चल रहे हैं, 125 साइकिल इसके अंदर में है। और हमारे ज़िले में आज हमने इसको सबसे पहले फरदड़ी में हमारा जो जिला शुरू होता है वहाँ रिसीव किया, फरदड़ी के बाद फिर हमारा जो स्वागत का और कार्यक्रम हो वो बिसरू में, बिसरू के बाद फिर पुनहाना, पुनहाना के बाद सिकरावा और सिकरावा के बाद आकेड़ा मालव नुह। अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लोगों का उत्साह लोगों में है इस यात्रा को लेकर के, तो ये यात्रा यहाँ होगी और रात्रि में अब यहाँ से जो है ये पटेल वाटिका के अंदर में जा करके यहाँ से विश्राम होगा, उनका वहीं रात्रि में भोजन है, उसके बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी वहाँ पर किया गया। सुबह ये यात्रा यहाँ से फ्लैग ऑफ होकर के यहाँ से तावड़ू के लिए रवाना होगी। अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर और SP साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं और सब जगह पे SDM जो पुनहाना थी वो अपने एरिया में रही, नुह के SDM अभी हमारे साथ हैं इस यात्रा के अंदर में, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी जाकिर हुसैन जी, भानीराम जी मंगला, राजकुमार जी और पार्टी के हमारे सारे के युवा मोर्चा से चाहे किसी भी पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता इस यात्रा के अंदर में मौजूद हैं और कस्बे के भी काफ़ी लोग इस यात्रा में और इलाके के भी, जहां आप देख रहे हैं ये तिरंगा पार्क है, खेड़ला गाँव इसके पास लगता है, यहाँ के लोग भी इसमें और बड़े जोश और उत्साह के साथ इस यात्रा का हम जो है स्वागत कर रहे हैं। और एक संदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा के माध्यम से दिया है नशा मुक्ति का, तो तरह तरह की नशा मुक्ति हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर में फैल रही है, उसको हमें दूर करना है, उसको लेकर के यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा के बारे में अभी हमारे साथी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी ने पूरी बात बताई, जाकिर हुसैन जी ने आपको पूरी बात बताई, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मनोहर लाल जी के धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो नशा मुक्त हरियाणा बनाना है, नशे की जो आदत है वो नशे की आदत परिवार को ख़त्म नहीं करती बल्कि एक गांव को, एक प्रदेश को, एक जिले को ख़त्म करती है, और उसको ख़त्म करने के लिए जिसमें नशे की आदत आती है, नशे से क्या क्या चीज़ पैदा होती है, नशा करने वाला आदमी चोरी करेगा, डकैती करेगा या जुआ खेलेगा, जब उसको नशे के पैसे नहीं मिलेंगे तो पहले घर से चोरी शुरू करेगा, फिर घर वाले परेशान रहेंगे, फिर वो बाहर भी चोरी करनी शुरू कर देगा। तो अगर नशे मुक्त हमारा हरियाणा होगा तो जो क्राइम है उसमें भी कमी आएगी, और वो कमी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है कि ये यात्रा अभी 1 तारीख से करनाल से शुरू करके माननीय मुख्यमंत्री स्वयं साइकिल द्वारा इस यात्रा को उन्होंने आरंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे आवाज यात्रा अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने आपको बताई कि आज मेवात में घूमती हुई और जाने के बाद फिर ये 25 तारीख को सिरसा में जाके इसका समापन होगा, और आज मेवात में बड़ा अच्छे मतलब जोर शोर से लोगों के बड़े मतलब उत्साह से इस यात्रा का स्वागत किया है। पुनाने में बड़ा स्वागत हुआ, भादस में हुआ, और अभी आंकड़ा में हुआ, और अब यहाँ आप देख रहे हो जितनी भीड़ इस यात्रा के स्वागत के लिए है। और तो मैं सबको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि जो माँ बाप हैं वो भी बच्चों को प्रेरित करें कि नशा मुक्त के लिए सरकार इतना प्रयत्न कर रही है, सरकार इतनी योजना बना रही है, तो हमारे बच्चे नशा मुक्त होंगे तो हमारा विकास भी होगा और अपना घर भी बढ़ेंगे और हम घर में भी कलेश खत्म होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।